से मेरे इनका तल्लक है। जब ये सुबाई असम्बली के मेंबर बनने से पहले भी मेरा इनके साथ 15 साल से रहा है। मेरी दावत पे जापान तशरीफ लाए, मैं इनका दिल की तागराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके साथ स्टेज पे बैठे हुए तमाम मौजूदीन, जिनमें राशिद मिराज साहब, जब भी हमारी पार्टी के जीटी रोड से कहीं इस्लामाबाद जाते हैं तो इनके घर में कायदीन इनके घर में ठहरते हैं, ये इनका भी शुक्रिया। ये आप तशरीफ लाएँ। मलक अफजल साहब हमारे सीनियर पाकिस्तानी, हमेशा हमारी हौसला अफजाई और अपने तजर्बात से हमें हमेशा बताते रहते हैं, इनका बहुत शुक्रिया चीज आए। जनाब मोहतरम शहजाद अली बैलम साहब हमारे पाकिस्तान एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, मेरे प्यारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया। कैसर नसीर साहब, सिकंदर पशिया साहब, इजाज साहब, अमर साहब, नवाज शरीफ सलारी साहब, आसिफ भट्टी साहब, हमारे गुजराने से आए हुए राशिद भट्ट साहब, रिजवान भट्ट साहब, मियां दोपहर साहब, आरिफ साहब, फवाद साहब का बहुत शुक्रिया, इन्होंने आज ताज बना दिया। अगर इस ताज का क्या नाम था पता नहीं, बड़ा बहुत शुक्रिया शकील खानी साहब, आदि सैद साहब, अली खान साहब, मलक बाबर साहब और तमाम साहब, आप सबकी वजह से बन जा रही है ये नफर से आपका मेरे अहमद भाई साहब और दीगर साहब जिसका नाम ना ले सकूं माफी दीजिएगा, सब आप सबकी वजह से मैं महफिल सजी है। मियां मुबीन है, गुमर सिंह सबकी वजह से महफिल सजी है। अजीम भाई, अरशद साहब, नवान भाई, नवाब पट्टी साहब, शाली साहब और मेहमान सराया ने, ये हमेशा किला करते हमारा नाम है और खाने का टाइम होने वाला है इंशाल्लाह, अल्लाह रब इज्जत जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, टाइम लंबा हो गया। आप सबका शुक्रिया, आपकी वजह से ये यकोहामा से आए हुए जनाब, बहुत शुक्रिया मियां कुरबान साहब, सुल्तान साहब, आपकी वजह से ये महफिल सजी, आपकी वजह से महफिल कहाँ से सजती है। बहरहाल तफीक भट्ट साहब के बहुत मशहूर हैं कि ये तशरीफ लाए और इन्होंने कीमती वक्त हमें दिया, इनके साथ लादे भी तशरीफ लाए हुए हैं। जैसा कि सामने बातें की और राणा इब्राहिम साहब जो है सरपरस्ते आलम, उसी मेरा जिक्र नहीं किया, मैं तो कर दी भुल गए भूल गए, हमने ये पहला प्रोग्राम किया है इकट्ठा, इस तरह ने कहा था कि तमाम मुद्देदार इकट्ठे यहाँ पे। मेरा हमेशा जापान में मिशन होता है पहले पाकिस्तान, मुसलमान और पाकिस्तान हमारी पार्टी होती है और मुझे सबसे पहले अपने 22,000 पाकिस्तानी अजीज हैं जो जापान में रहते हैं और हमेशा जब भी इन्होंने आवाज दी है हम इंशाल्लाह दौड़ के आते हैं। मैंने जो आयत पढ़ी है इसमें अल्लाह रब्बुल फरमाता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, जानो जानो माल से, वो हतर से, फलों की कमी से, और बशरी साबिरीन जिन लोगों ने सब्र किया, अल्लाह दीन अल्लाह साबत मुसीबा, और जब तुम पर मुसीबत आते हैं काल इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये जो आयत हम हमेशा मरने में पढ़ते हैं ये मरने के लिए हाल ही नहीं आए थे, ये हमेशा मुश्किलात के लिए आयत पढ़ी जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुल्क पाकिस्तान पे जो इस वक्त हालात हैं उसके जिम्मेदारान जो है आप सबको पता है, बारी बारी सबकी बारी वो लेते हैं, हमने भी वो मुश्किलात काटी है, अब वो दूसरे काट रहे हैं, वो जो करते हैं आप सबको पता है। तो हमें सबसे पहले एक पाकिस्तानी होना है, जो हमारे हालात हैं इस वक्त वो अब लड़ने झगड़ने वाले हालात नहीं है, हमें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए एक होना है और उसके लिए इस झंडे तले एक होकर उस मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचना है कि जो हालात इंडिया या बांग्लादेश की हम बात करते हैं ऐसी कोई बात नहीं, हमारा वतन भी ये सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, पूरे जापान में हमारा कितनी इज्जत करते हैं जापानी से, आप सबकी कितनी इज्जत करते हैं, तमाम अक्षरों में किसका नाम है, इंडिया का नहीं है पाकिस्तान का, तमाम इस जापान में किसका नाम है, पाकिस्तान का नाम है इंशाल्लाह। ये वो लोग हैं जब हम मनफी सोच खत्म कर देंगे, मुस्बत सोच की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। यहाँ की कम्युनिटी जो है इसने अपना हमेशा, जब सुनामी आई कौन गया था, दीगर मुल्क सारे भाग गए थे, पाकिस्तानी वाहद कौन थी,
जो वहां गई, आज उसका बादशाह जो भी सफीर आता है उसका ऐलान करता है पाकिस्तान कम्युनिटी जापान ने हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया है। किसी और कौम का नाम नहीं लेते, पाकिस्तानियों का नाम लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस कम्युनिटी पर, इस मुल्क पर फर्ज है और इंशाल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान जिस तरह पहले तरक्की की राह पे गामजात था, हर बंदे को अपने अपने नजरिए पे रहने दे। हमें उम्मीद है जिस तरह मुल्क पाकिस्तान में जो काम हुआ है उसमें मियां नवाज शरीफ ने जो काम किए हैं आज तक किसी और ने नहीं काम किए। जो अयूब खान के पहले से उसके बाद पाकिस्तान, हम अपने, मैं किसी के बाल बात नहीं करूंगा, हम अपने काम बताएंगे पाकिस्तान में। जो मोटरवे बना कराची में दहशतगर्दी होती थी, सी पैक है या दीगर तमाम है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किए। और जापान में रहने वाली पाकिस्तान कम्युनिटी ने जब मार्च का वक्त आया था, यहाँ कोरोना का मसला था, उस वक्त भी कोई दीगरी कौम नहीं है, पाकिस्तानी कम्युनिटी जापान है जिसमें, उस वक्त भी हमारी टीम थी सारी, लेकिन हमारा किसी का नाम नहीं आएगा, आपके इस पाकिस्तान का नाम आएगा। हमने चले जाना है, क्या पाकिस्तान जापान में आज से 10 तकरीबन 8 साल पहले जापान का वजीर हारजा पाकिस्तान गया, काफी 7 साल के पास उसने विजिट किया पाकिस्तान का। आपको पता है पाकिस्तान और जापान के हालात अच्छे नहीं है। ये जो पाकिस्तान के वीजे खुले हुए हैं ना, और जो पाकिस्तान से लोग ये 1 साल के वीजे आ रहे हैं, मैं खुदा को गवाह बना के, तो ये कम्युनिटी की वजह से है, पाकिस्तान और जापान के हालात नहीं है, ये आप लोगों की वजह से है। इन लोगों ने सामने में काम किया, ये सारी रिपोर्ट करते हैं के जी मेरा पुलिस इमिग्रेशन सबसे वास्ता है। ये जिस कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन इस कम्युनिटी की अच्छी रिपोर्ट है जो इसके वजीर आजम के पास जाती है, इनकी गवर्नमेंट के पास जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के वीजे खुले हैं। ये गवर्नमेंट आप पाकिस्तान और जापान के हालात ऐसे नहीं है, अच्छी तरह वो इंडिया के साथ तलक है, लेकिन आपका सबकी मेहनत जो सीनियर पाकिस्तानी है उनकी वजह से ये वीजे खुले हैं, जेल में बात रखिएगा। तो जो वजीर हारजा पाकिस्तान जब पाकिस्तान उतरा, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले पाकिस्तान कम्युनिटी जापान का जिक्र था, ये हमारे लिए बड़ी फर्ज की बात है, हम पाकिस्तानी के फर्ज की बात है। और इंशाल्लाह ना उम्मीद ना मायूस ना हो, हमारा मुल्क पाकिस्तान ता क़यामत कायम दायम रहेगा, और इंशाल्लाह पूरी दुनिया में देखे कोई भी हो, इंडिया तरक्की कर लिए, बांग्लादेश तरक्की कर, बहुत तरह थे हमने उसकी देखे, वो देखे, ये देखे, हमारे मुल्क पाकिस्तान ने भी तरक्की की, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन नाम आपका ही आता है इंशाल्लाह, तरफ से पाकिस्तान का नाम आता है। ये पूरी एशिया में आप हमारा एक इंडियन दुश्मन नहीं है, हमारे चारों तरफ और पूरी दुनिया मुस्लिम कंट्री भी इसमें शामिल है, वो हमें इतनी आसानी से, अब सी पैक जब के शुरू हुए इतना आसान नहीं है कि हमें, हमारा एक दुश्मन नहीं है, पूरी दुनिया में हमारे पीछे लगे हुए, इसलिए मुश्किल तो आनी है अंदरूनी बिरूनी, लेकिन हमने इसका साबित कदमी से इनका जो मुकाबला करना है। और ओवरसीज पाकिस्तानी तो हमेशा इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए परेशान रहते हैं, आप जब भी कोई मसला होता है आप लोग बढ़ चढ़ कर उस मुल्क के पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ के, किसी भी मसले पे आते हैं आप उनके लिए आगे बढ़ चढ़ के, वहाँ अपने रिश्तेदारों के लिए, वहाँ के मुसलमानों पाकिस्तानियों के लिए आप हमेशा उनकी मदद करते हैं। अपना आप जापान में देखें जितनी मस्जिदें बनी हैं, जब कभी भी कोई कम्युनिटी है, कभी कोई इंसान यहाँ वफात पा जाता है, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है जो क्या नाम है फोरन उस पर अमल करते, जितने भी पैसे वो काम पे काम करता है या साचो है कोई भी अपना जो भी हिस्सा बढ़ चढ़ के, पाकिस्तानी डालते हैं, दूसरे मुल्क के इतने दिल बड़े नहीं है, ये आप लोगों के दिल बड़े हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखनी चाहिए पाकिस्तान से, हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क पाकिस्तान को ता क़यामत कायम दायम रखे, और इंशाल्लाह वो दिन आएगा जब इंशाल्लाह हमारे पासपोर्ट की इज्जत होगी। वो लोग कहते हैं पासपोर्ट की इज्जत कम होगी, वो भी हमारी वजह से है, ये किसी को ना बताओ कि नहीं करा कर हमारी वजह से, और हमने बनाना भी इसके, अगर आप जापान में काम करेंगे अच्छा काम करेंगे तो बोलेंगे मुसलमान है ये पाकिस्तानी है, एक बुरा काम करेगा वो कहेगा मुसलमान है पाकिस्तानी है। तो ये हम सब सफीर हैं, तो हम सबको इंशाल्लाह मिलजुल कर अपने मुल्क पाकिस्तान और कम्युनिटी के लिए काम करना है। बहुत शुक्रिया एक दफा फिर तौफीक बट साहब का और दीगर तमाम मानों का, और विशेष है उन्होंने भी फिर साहब और दीगर और मिलना कुकुर करा खांसी शिवस पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब
मतलब क्या? कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, निप्पॉन पाकिस्तान बन जाए, निप्पॉन बन जाए, पाकिस्तान बन जाए, पाकिस्तान बन जाए, निप्पॉन बन जाए, पाकिस्तान कम्युनिटी जापान बन जाए।